हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ऑलवेज बी फाइन विथ योर फैमिली. आई विश टू गॉड. टुडे आई विल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू एंड फॉर योर प्रैक्टिस बाय मी. नाउ टुडे द हियर इज टू क्वेश्चन रिटन बाय मी, दैट इज the sum of the third and seventh term of an AP is 6 and the product is 8. Find the sum of first 16 terms. A lot of questions solved by me in this chapter. If you are be aware for my videos, then you can do a lot of practice with the help of my videos. We got a lot of questions solved by me. Jitna question maine solve karwaya hai, shayad koi solve karwaya hoga. Bahut sare question maine solve karwa diye aapki practice ke liye. Aur the next question is this, which term of AP is this? Is first negative term. Pehle hum isi ko solve karte hain, then usko solve karenge. Thoda sa wo bada hai. To मान लीजिए nth टर्म अगर नेगेटिव टर्म है तो ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. ये क्वेश्चन जो अंडरलाइन किया हमने, इसमें फर्स्ट टर्म a क्या है 121, d क्या है 117 माइनस 121 यानी माइनस 4. तो nth टर्म निकाल लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ध्यान दीजिएगा, तो nth टर्म हो जाएगा 121 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4. 121 प्लस माइनस 4n प्लस 4, या बेटा 121 माइनस 4n प्लस 4. इस माइनस से n मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 होने जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ब्रैकेट हटेगा तो इफ द आउट ऑफ द ब्रैकेट प्लस साइन, देन नो साइन विल बी चेंज इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा बेटा, 121 प्लस 124, 125 माइनस 4 an हो गया. अगर an नेगेटिव टर्म है, इफ an इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, देयरफॉर an इज लेस देन 0. अगर an यानी कि अगर ये नेगेटिव टर्म है, यहाँ लिख देंगे लेट nth बी द फर्स्ट टर्म, ए एन यानी nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स. तो यानी 125 माइनस 4n लेस देन 0, या इसको ले जाएंगे उधर ले जाएंगे 125 लेस देन 4n, या 4n ग्रेटर देन 125 हो जाएगा. यहाँ देख लीजिए, या n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, या n इज ग्रेटर देन 31 होल 1 बाई 4. तो 31 होल 1 बाई 4 इसका मतलब 31 टर्म तक नेगेटिव टर्म नहीं है. देयरफॉर 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ध्यान दीजिएगा, एन की वैल्यू अगर यही 31 आती, 31 फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. मान लीजिए हमने यहाँ समझिएगा, nth टर्म अगर नेगेटिव टर्म है तो an की वैल्यू ये आ गई. अगर nth टर्म नेगेटिव टर्म है तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, और 0 से छोटी होगी तो यहाँ n की वैल्यू जो आ गई 31 से बड़ी होगी. इसका मतलब फर्स्ट जो होगा 32वां टर्म ऐसा होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ आई विल फोकस एट नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान रखिएगा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज द 4 मार्क्स क्वेश्चन. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी मिटा दे रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो गया है. तो देखिए, अब इसमें इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. लेट द, ये चीज़ आप उसमें भी लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी एंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म बी ए कॉमन डिफरेंस बी डी. ध्यान दीजिए, तो क्या क्या थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म्स सम ऑफ. तो पहले थर्ड टर्म प्लस सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 6. ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म प्लस सेवेंथ टर्म, थर्ड टर्म यानी ए प्लस टू डी, ये हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 6. ध्यान दीजिएगा,
भाई इस तरह निकाल सकते हैं आप a प्लस एन माइनस वन इन टू डी से, तो थर्ड टर्म 3-1, सेवन टर्म 7-1, ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। ध्यान रखिएगा 2 कॉमन कर लीजिए तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, 2 3 6 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3-4d। कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से जानना है, सब कुछ अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसको सॉल्व करना है। a इज इक्वल टू 3-4d हो गया। अब बेटा क्या कह रहा है, प्रोडक्ट यानी हम इसको न लिखें, ऐसे कर लें, थर्ड टर्म इंटू सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट क्या हो गया 8, तो थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d इंटू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू को इसमें रख दीजिए तो 3-4d प्लस 2d और 3-4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8, यहाँ लिख लेंगे a इज इक्वल टू 3-4d। अब ये क्या हो गया बेटा, 3-2d माइनस 4d प्लस 2d, 3-2d इंटू 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ देख लीजिए, यानी 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 9-8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, इसको उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी अब इसको देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर या डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, डी इज इक्वल टू √1/4, डी इज इक्वल टू +-1/2। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1/2। ध्यान दीजिए, वेन डी इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, 3-4d है, 3-4 × 1/2, 3-2 यानी 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और वेन डी इज इक्वल टू -1/2 तो क्या हो जाएगा बेटा, 3-4 × -1/2, यानी ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3+2 यानी 5, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये a की वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे, आप सर्किल नहीं करेंगे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सो नहीं होगा तो हम यहाँ दिखा दें इसको, तो a इज इक्वल टू क्या है, 3-4d, 3-4 × -1/2 हो जाएगा, या 3+2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो अब सम निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे वेन a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। ध्यान दीजिए, जब d पॉजिटिव 1/2 है तो a की वैल्यू 1 है, तब Sn होता है n/2 2a + n-1 × d। Sn क्या होता है, 2a + n-1 × d, तो S 16 हो जाएगा, 16/2 2a, 2 × 1 + 16 − 1 × 1/2। ध्यान देना बेटा, ये 8 हो जाएगा, 2 + 15 × 1/2, 8 2 + 15/2, या ये हो गया 8 × 2 = 4 19/2, यानी 2 × 4 = 8 = 76। ये क्या आया आंसर आपका। कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि जैसे अब इतना हो गया कि जब वेन
डी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, तो ए की वैल्यू 5, तब एस 16 होगा। हम शॉर्ट फॉर्म में लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए फार्मूला वही रहेगा, 16 अपॉन 2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 2। अब देखना बेटा 8, 10 प्लस 15 इंटू माइनस 1 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 8, 10 माइनस 15 बाई 2, 10 माइनस 15 बाई 2। अब देखिए 8 ये हो जाएगा 10 टू जा 20, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 टू जा 20 या अपान वन होगा, तो 20 माइनस 15 5 बाई 2, 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5 बाई 2, 2 4 जा 8, तब इसका आंसर आएगा 20। तो यहाँ पे एक आंसर 76 आएगा और एक आंसर आएगा 20। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दोनों चीज़ लेना है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा करें, ये नहीं लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो डी की वैल्यू जब 1 बाई 2 होगी तो ए की वैल्यू 1 होगी। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में क्या दिया कि थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम 6 है, हमने इनमें रिलेशन बना लिया, ए की वैल्यू डी के टर्म में निकाल लिया, दोनों का प्रोडक्ट दिया है 8, यानी यहाँ ए की वैल्यू रख दिया, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू हमें आ गई प्लस माइनस 1 बाई 2। तो जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ए की वैल्यू 1 होगी, जब डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ए की वैल्यू 5 निकल गई। तो जब हम दोनों पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, डी की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तब सम आ रहा है 76, और जब हम डी की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो सम आ रहा है 20। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप वीडियो को आराम से पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको और मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छा प्रैक्टिस कराने का। नेक्स्ट वीडियो में एक आध क्वेश्चन कराएंगे ना, तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या चाहे फिर ट्रायंगल, कोई एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।